नमस्कार दोस्तों, रोजाना राशिफल देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ ही बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि दोस्तों आपकी राशि से जुड़ी सभी जानकारियां सबसे पहले आप तक पहुंच सके और आप उन्हें देखकर अपने जीवन के उत्तम सुखों का लाभ ले सके। तो आइए दोस्तों, इसी के साथ आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं 14 मई 2021 की आपके राशिफल के बारे में। सबसे पहले दोस्तों, जिनका भी इसमें बर्थडे है या फिर एनिवर्सरी है, आप सभी को हमारी तरफ से ढेर सारी शुभकामनाएं। आप दिन दुगनी रात चौगनी तरीके करें। तो आइए दोस्तों, इसी के साथ बात करते हैं यश में ग्रहों की स्थिति कैसी होंगी, क्या क्या योग बनेंगे और इन सभी का असर आपकी राशि पर क्या होगा, किन किन चीजों को लेकर यश में आपको सावधान रहना होगा और आखिर कौन कौन से कार्य आपके लिए भाग्यशाली होंगे। यश में आपका लव लाइफ, स्वास्थ्य, करियर और धन की स्थिति कैसी रहेंगी। साथ ही दोस्तों, वीडियो के मध्य में आप सभी के लिए बहुत ही अच्छे विचार दिए गए हैं जिन्हें आप जरूर देखिएगा, आपको काफी अच्छा लगेगा। तो आइए दोस्तों, अब बात करते हैं। दोस्तों, इस दिन शुक्रवार का दिन रहेगा, शुक्र पक्ष की तृतीया तिथि रहेगी और इस दिन मृगशिर्षा नाम का नक्षत्र रहेगा। वहीं दोस्तों, योग की बात करें तो शुक्रवार नाम का शुभ योग रात्रि के प्रातः काल 1:46 रहेगा, उसके उपरांत धृति नामक शुभ योग प्रारंभ हो जाएगा। वहीं दोस्तों, इन दिन राहुकाल के समय की बात करें अर्थात अशुभ समय की, यश में आप कोई भी महत्वपूर्ण कार्यों को ना करें तो दोस्तों यश समय रहेगा सुबह के 10:45 से लेकर दोपहर के 12:23 तक। और दोस्तों, चंद्रमा दिन वृषभ राशि के उपरांत मिथुन राशि में संचार करेंगे। दोस्तों, बीता हुआ कल अगर वर्तमान पर नकारात्मक प्रभाव डालने लगे तो बीते हुए कल को जहर समझकर हमें त्याग देना चाहिए। हमें किसी भी खास समय का इंतजार नहीं करना चाहिए बल्कि अपने हर समय को खास बनाने की पूरी कोशिश करनी चाहिए। दोस्तों, जब तक आप अपने अतीत को याद करते रहेंगे भविष्य की योजनाएं नहीं बना पाएंगे। समय दिखाई नहीं देता पर बहुत ही कुछ दिखा जाता है। आप यह नहीं कह सकते कि आपके पास समय नहीं है क्योंकि आपको भी दिन में उतना ही समय मिलता है जितना समय महान और सफल लोगों को मिलता है। दोस्तों, जिंदगी में जो भी हासिल करना हो उसे वक्त पर हासिल करो क्योंकि जिंदगी मौके कम और धोखे ज्यादा देती है। किसी अच्छे काम की शुरुआत करने के लिए कोई समय बुरा नहीं होता। दोस्तों, खुश नसीब है वो जिसने अपने आज का समझदारी से इस्तेमाल किया क्योंकि कल कभी आता नहीं और आज कभी जाता नहीं। दोस्तों, जो व्यक्ति जीवन में समय का ध्यान नहीं रखता उसके साथ असफलता और पछतावा ही हाथ लगता है। दोस्तों, सूरज हर शाम ढल ही जाता है। दोस्तों, पतझड़ वसंत में बदल ही जाता है। मेरे मन मुताबिक आप कभी हिम्मत मत हारना, समय कैसा भी हो गुजर ही जाता है। तो चलिए इसी के साथ बात करते हैं आज की राशिफल की। देनी राशिफल। दोस्तों, यश में आपको अपनी किसी मेहनत व फिर प्रयास के सकारात्मक परिणाम हासिल होंगे। राजनीतिक तथा सामाजिक संपर्कों को और अधिक मजबूत करें। दोस्तों, यश में नई योजनाएं बनाने तथा नए उपक्रम करने के लिए जो दिन होंगे, जो समय होंगे, आपके लिए बहुत ही अनुकूल समय होगा। और इसके उपरांत दोस्तों, यश में अगर आपकी सावधानी को लेकर बात करें तो दोस्तों, यश में ध्यान रखें कि आपकी ही कोई गलती आपके लिए परेशानी का कारण बनेगी। दोस्तों, यश में आपको बता दें कि अपने निकट संबंधियों के साथ संबंध को मधुर बनाकर रखना आपके लिए इसमें आवश्यक होगा। बच्चों की गतिविधियों और संगति पर आपको इसमें निगरानी रखना चाहिए। दोस्तों, ये आपके लिए बेहतर साबित होंगे। और इसके उपरांत दोस्तों, ये समय आपके लिए समय होंगे, आपको बता दें कि आप पर काम का बोझ इसमें बढ़ेगा। दिन भर भाग दौड़ी आपकी बढ़ सकती है लेकिन दोस्तों, काम भी आपके वक्त पर पूरे होते जाएंगे। जिन बातों का इंतजार आपको काफ़ी दिनों से चल रहा था, दोस्तों ऐसी ही बातों में बदलाव देखने के लिए आपको यश में बहुत ज़्यादा मेहनत करने की आवश्यकता होगी। इसके उपरांत दोस्तों, ये जो समय होंगे आपके लिए, आपको बता दें कि समय सामान्य फलदायक रहेगा। कोशिश करने से मन चाहे कार्य भी पूरे हो सकते हैं परंतु बहुत ज़्यादा लाभ तो नहीं होगा पर नुकसान की भी संभावना बहुत कम होगी। आपको बता दें कि घर में सुख शांति व्याप्त रहेगी। बच्चों के कार्यों में आपका पूर्ण सहयोग रहेगा। आप श्रेष्ठ माता पिता भी इसमें शामिल होंगे। इसके उपरांत दोस्तों, व्यर्थ की उलझन में पड़कर अपना समय बर्बाद ना करें। कभी कभी दिक्कतों की वजह से वाणी और व्यवहार में जो है तलखी रह सकती है। इसमें आर्थिक स्थिति सामान्य होने की वजह से खर्चों में कंट्रोल करना आपके लिए इसमें उचित रहेगा। इसके उपरांत दोस्तों, ये समय कठिन परिस्थिति में भी आपका इसमें वर्चस्व बना रहेगा। परिस्थिति को आपके पक्ष में करने के लिए अपने निर्लेप पर डटे रहना आपके लिए बेहद जरूरी होगा। कोर्ट कचहरी संबंधी कामकाज में देरी हो सकती है लेकिन अंत में निर्णय आपके पक्ष में ही होने वाले हैं।
तो दोस्तों चिंता करने की कोई बात नहीं है। और इसके बाद दोस्तों यह शुभ समय होंगे आपके लिए। आपको बता दें कि दोस्तों यह समय आप कार्य में बड़ा सफलता हासिल करने वाले हैं। अचानक ही कोई आपकी कार्य सिद्ध हो सकती है। सिर्फ दूसरों की उम्मीद करने की अपेक्षा आपको अपनी मेहनत और कार्य क्षमता पर इसमें विश्वास रखना चाहिए। आपको बता दें कि घर के वरिष्ठ सदस्यों के मान सम्मान व फिर सेवा में किसी प्रकार की कमी ना करें, ये आपके लिए बेहतर होंगे। क्यों दोस्तों, इनका आशीर्वाद ही आपके लिए बहुत ही लाभकारी साबित होंगे। कभी कभी ज़्यादा जो है प्राप्ति की इच्छा और काम के प्रति जल्दबाजी आपके लिए नुकसानदायक रह सकती है। व्यवस्थित तरीके से अपने कार्यों को निपटाने का प्रयास करें और दोस्तों जो मिल रहा है उसी में संतोष रखना आपको इसमें तनाव मुक्त रखेगा। और इसके उपरांत दोस्तों ये समय आपके लिए समय होंगे। आपको बता दें कि दोस्तों आपके द्वारा तय की गई योजनाएं सफलतापूर्वक आगे बढ़ेंगी, जिसकी वजह से आपका खुद के प्रति और लोगों का आपके प्रति विश्वास बढ़ सकता है। आपको बता दें कि आपको दी गई जिम्मेदारी बखूबी निभाने में आप सक्षम रहेंगे और इसमें आपको इनसे आदर सम्मान भी प्राप्त होगा। दोस्तों आपको बता दें कि परिवार में खुशहाली भरा वातावरण भी इसमें रहने वाले हैं। और इसके उपरांत दोस्तों इसमें आपके लिए समय होंगे। आपको बता दें कि दोस्तों समय घर के रखरखाव तथा सुधार संबंधी कार्यों की रूपरेखा भी बना सकते हैं, परंतु जो समय होंगे आपके लिए ग्रह स्थिति यह भी सचेत कर रही है कि दोस्तों वित्त योजनाओं संबंधी कार्यों पर इसमें आपको अधिक ध्यान देने की आवश्यकता होगी या फिर विशेष ध्यान केंद्रित करने की आवश्यकता होगी। आपको बता दें कि किसी धार्मिक यात्रा का भी प्रोग्राम इसमें बन सकता है। और इसके उपरांत दोस्तों जो समय होंगे आपके लिए, किसी अनजान व्यक्ति पर आपको अधिक विश्वास नहीं करना चाहिए और ना ही उनकी बातों में इसमें आपको आना चाहिए। बच्चों की पढ़ाई अथवा करियर को लेकर आपको चिंता सता सकती है, परंतु अपने व्यवहार को स्वयं बनाकर रखना इसमें आपके लिए जरूरी होगा। और इसके उपरांत दोस्तों ये जो समय होंगे आपके लिए, आपको बता दें कि गलत व्यक्ति पर विश्वास दिखाने की वजह से पैसे संबंधित नुकसान आपको उठाना पड़ सकता है। पैसे संबंधित व्यवहार करते समय अधिक जागरूकता रखें। काम संबंधित दस्तावेज जब तक पूरे नहीं होते तब तक काम की शुरुआत ना करें। आपको बता दें कि वरना तकलीफ होने की आशंका भी बन रही है। और इसके उपरांत दोस्तों इसमें अगर आपकी करियर को लेकर बात करें अर्थात आपके व्यवसाय की, तो दोस्तों इसमें व्यापार में वर्तमान परिस्थिति की वजह से जो है अभी नई योजनाएं बनाने के लिए समय उतना उचित नहीं है जितना आप समझ रहे हैं। दोस्तों जो वर्तमान में चल रहा है उसी पर आपको इसमें ध्यान को केंद्रित करने की आवश्यकता होगी। दोस्तों ये आपके लिए इसमें भाग्यशाली होंगे। ज़्यादा मेहनत और परिणाम कम जैसी स्थिति भी इसमें रह सकती है, परंतु फिर भी आपका आर्थिक समस्या इसमें दूर होंगी। इसमें आपकी जो भी संकट समस्या है इसमें आपके दूर होंगे। इसके उपरांत दोस्तों इसमें आपके करियर के लिए जिसमें होंगे, आपको बता दें कि दोस्तों यश में कंप्यूटर मीडिया मार्केटिंग आदि से जुड़े व्यवसाय में शुभ अवसर आपको प्राप्त हो सकते हैं। तो जो भी लोग यश में इनमें हैं उनको यश में लाभदायक परिस्थितियाँ देखने को मिलेंगी। और इसके उपरांत दोस्तों यश में व्यवसाय में कुछ समस्याएं भी उभर सकती है। दोस्तों ये जो समय होंगे आपके लिए, किसी अनुभवी या फिर राजनीतिक व्यक्ति की मदद लेना आपके लिए उचित रहेगा। तनाव लेने के बजाय विवेकपूर्ण तरीके से समस्याओं का समाधान करें। दोस्तों ये आपके लिए इसमें बेहतर साबित होंगे। युवाओं को भी नए रोजगार की प्राप्ति हो सकती है या फिर नए रोजगार के अवसर भी प्राप्त हो सकते हैं। इसके उपरांत दोस्तों इसमें आपकी करियर के लिए समय होंगे। दोस्तों आपको बता दें कि इसमें व्यवसाय की स्थितियाँ तो सामान्य रहेंगी, लेकिन जरूरत के मुताबिक इनकम के सोर्स भी बने रहेंगे। दोस्तों इसमें अपनी कार्य प्रणाली में बदलाव लाने की कोशिश करें। नौकरी पेशा इंसान ऑफिस में चल रही किसी राजनीति से दूर रहें। दोस्तों अपने काम से ही आप इसमें मतलब रखें, ये आपके व्यवसाय के लिए इसमें बेहतर होंगे। और इसके उपरांत दोस्तों इसमें अगर आपकी लव लाइफ को लेकर बात करें अर्थात आपके पारिवारिक जीवन की, तो दोस्तों यह समय पारिवारिक वातावरण सुखद और शांतिपूर्ण बना रहेगा। किसी विपरीत लिंगी मित्र से भावनात्मक लगाव भी इसमें बढ़ सकता है। और इसके उपरांत दोस्तों यह समय आपकी लव लाइफ के लिए जो समय होंगे, आपके पारिवारिक जीवन के लिए जो समय होंगे, आपको बता दें कि व्यावसायिक तनाव का असर अपने दाम्पत्य जीवन तथा घर परिवार पर ना पड़ने दें। परिवार के साथ अपनी समस्याओं को साझा करें, अवश्य उचित परिणाम या फिर उचित सलाह आपको मिलने वाले हैं। और इसके उपरांत दोस्तों यह समय आपके लव लाइफ के लिए समय होंगे। दोस्तों आपको बता दें कि पति पत्नी के बीच रोमांटिक संबंध रहेंगे। प्रेम विवाह के इच्छुक लोगों को भी या इसमें कोई शुभ समाचार मिल सकता है, जिनसे आपका मन भी इसमें गदगद रहने वाले हैं। और इसके उपरांत दोस्तों इसमें आपके लिए समय होंगे। आपको बता दें कि घर के मामलों में अत्यधिक हस्तक्षेप ना करें, इससे दोस्तों घर का वातावरण जो है मधुर बना रहेगा तथा सदस्यों के बीच भी आपसी सामंजस्य बढ़ेगा। और इसके उपरांत दोस्तों इसमें अगर आपकी स्वास्थ्य यानी सेहत को लेकर बात करें, तो दोस्तों यह समय नकारात्मक माहौल के बीच धैर्य और संयम रखें, अन्यथा इसका दुष्प्रभाव आपके स्वास्थ्य पर
पड़ सकता है। और इसके उपरांत दोस्तों यश में आपके स्वास्थ्य के लिए समय होंगे। आपको बता दें कि दोस्तों स्वास्थ्य आपका अंत में ठीक होगा, चिंता ना करें, अपना इम्यून सिस्टम को मजबूत बनाकर रखें। और इनके लिए यश में आपको योगा और मेडिटेशन का सहारा लेना चाहिए। दोस्तों यश में मानसिक रूप से स्ट्रांग बनने के लिए आपको ध्यान और मेडिटेशन का भी सहारा लेना चाहिए। आपको बता दें कि दोस्तों ये जो समय होंगे आपके स्वास्थ्य के लिए, आपको जोड़ों में या फिर टांगों में दर्द की समस्या भी रह सकती है। वायुवादी वाली चीज़ों का सेवन ना करें तथा सर्दी से अपना बचाव अवश्य करें। दोस्तों ये सभी चीज़ आपके स्वास्थ्य के लिए बेहतर होंगे, तो इन्हें जरूर फॉलो करें। और इसके उपरांत दोस्तों इसमें आपका भाग्यशाली रंग रहेगा हरा और भाग्यशाली अंक रहेगा 7।